The movie was amazing, and Alia definitely true talent. Really, it shows. It's one of her best performances. So is the movie a family movie or just good for? No, it's basically on the India-Pakistan concept, but it's very well made. Basically, it just clearly shows Alia's talent. It's one of her bestest. Thank you. बहुत अच्छी थी. एंड मैंने पहली बार बहुत टाइम के बाद एक ऐसी फिल्म देखी कि जहाँ पे अगर इंडिया को बहुत अच्छा दिखाया है तो पाकिस्तान को बुरा नहीं दिखाया. हर कोई अपनी कंट्री के लिए लड़ रहा है. तो मेघना गुलजार ने बहुत अच्छे से बैलेंस बना के रखा है. और जैसा हम लोग देखते हैं कि बिगनिंग में जब कोई डायलॉग बोलता है तो वो सुन लेता है, लेकिन जब उसी चीज़ का रियलाइज़ होता है जो आलिया भट्ट ने दिखाया कि बिगनिंग में शी एक्सेप्ट कि उसे सब कुछ फेस करना पड़ेगा, और जब एक्चुअल रियलिटी में उस पर बीतता है वो दिखाया है. और बहुत अच्छी फिल्म. व्हाट डू यू थिंक दिस टाइप ऑफ मूवी, दिस इज लाइक द फैमिली मूवीज और द लाइक, इट्स अ कंप्लीट सिनेमा फॉर यूथ आल्सो, फैमिली आल्सो, किड्स के लिए भी है. हाँ, फ्राइडे के दिन अगर 80% की ओपनिंग है, मतलब बहुत अच्छी बात है. 3 स्टार. मोस्ट वेलकम. इट्स अ गुड मूवी and I liked it very much. Story is very good. Type of movie, this is a complete family movie or this is yes. You can see with family, there's no problem at all. How much rating you want? How much rating you want to give this movie? Kitna rating? 4 stars. Four stars. Definitely. Uncle ji. Which type of movie this is? आप पूछे. Like the family movies or generation movies? हाँ, फैमिली मूवी भी है और उससे ज़्यादा सभी की मूवी है. आई मीन एवरी वन कैन वॉच. दिस मूवी बिलोंग्स टू कंट्री. तो ये तो देश की बात है. तो देश तो बच्चे से लेके बूढ़े तक का है. तो ऑब्वियसली ये तो पूरे देश की मूवी है. क्या फैमिली और क्या इंडिविजुअल. अरे शी इज़ बेस्ट. लाइक उड़ता पंजाब एंड अदर फिल्म हाईवे, शी प्रूव्ड हर अगेन. शी हैज़ प्रूव्ड हर सेल्फ अगेन. ऑब्वियसली 5 out of 5. आई लव दिस मूवी. थैंक यू. द मूवी इज़ वेरी नाइस, वेरी इंटेलिजेंट सिनेमा एंड वेरी कन्विंसिंग एज वेल. Alia acting is very nice, very convincing role, and she's done a justice to the script. Is it a complete family movie or? No, it's not a complete family movie. Bollywood, I always say it's maturing. It's a complete intelligent cinema. It's not an art movie versus it's not a commercial movie as well. It's a very nice Bollywood script based, content based movie. Very nice, very nice. 4 star out of 5. थैंक यू. अच्छा, पिक्चर बहुत अच्छी लगी. आलिया भट्ट की एक्टिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है. मेघना गुलजार का डायरेक्शन बारीकी से देखा जाए तो बहुत ही अच्छा है. और देशभक्ति के ऊपर पिक्चर है और इसे जासूस का रोल किया है. और इसमें एक चीज़ बताया कि कितने जासूस थे, हर देश के होते हैं, पर बेचारे गुमनाम हो गए, जिनका नाम भी नहीं हुआ, मर गए, खप गए, पता ही नहीं चला. और उन्होंने देश के लिए जान भी दे दी. तो वो भी थीम है इसमें. भी रिलीजन है, किसी भी कास्ट को ठेस पहुंचाने की कोशिश नहीं नहीं नहीं, नहीं 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 नहीं. इसमें कोई रिलीजन वाइज कुछ है ही नहीं और कोई कास्ट वाइज नहीं. जो सच्चाई थी वो है और सच्चाई भी कोई ऐसी थी ही नहीं कि किसी को. एकदम. और इसमें आपका कश्मीर का जो सीन बताया है, आपको पाकिस्तान का जो सीन बताया, बहुत अच्छा बताया. कितने रेटिंग आप देना चाहेंगे इसमें? रेटिंग बहुत ऊंचा है, 5 में 5 की रेटिंग. थैंक यू वेरी मच. ओके. डल, इट वाज वेरी स्लो. ट्रेलर एक्साइटिंग था, बट देन एक्सपेक्ट भी बहुत किया था, इसलिए फर्स्ट डे फर्स्ट शो आए थे. बट नहीं, इतना मज़ा नहीं आया. ऐसे लगा था कि मूवी घर पे ही अगर डाउनलोड कर लेती तो टाइम. आलिया एक्टिंग वॉज बिफोर इंटरवल, इट वॉज गुड. मतलब उसके रोल के हिसाब से जा रहा था, एज वो पहली बार एक बनी थी इंटेलिजेंस की एक पार्ट एजेंट बनी थी. ठीक था ट्रेनिंग, अच्छा. बट बाद में भी उससे थोड़ा और एक्सपेक्ट किया था, थोड़ा उसमें आएगा, थोड़ी हिम्मत एंड ऑल. बट स्टिल वो ही उसमें जा रही थी तो वो मूवी को बहुत स्लो बना रहा था. आउट ऑफ 1.5. या थैंक यू.